वो कहते हैं ना कि निंदक, नकली और नास्तिक, इन तीनों से दूरी बनाकर रखना, क्योंकि मेरे ओघरदानी मेरे शंकर भगवान को, मेरे देव अधिदेव महादेव को ये तीनों पसंद नहीं। देवऋषि नारद जब काम पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, और काम पर विजय प्राप्त करने के बाद में देवऋषि नारद सबसे पहले देवाधिदेव महादेव के पास जाते हैं। शंकर भगवान ने देखा कि देवऋषि नारद आए हैं, प्रणाम किया। कोई ऋषि, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन, कोई महात्मा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई अगर आया है तो उसका सम्मान, उसका आदर करना, ये मेरे देव अधिदेव महादेव सिखाते हैं। ये मेरे शिव सिखाते हैं। पूरी शिव महापुराण की कथा को उठाकर देख लीजिए, पूरे शंकर के चरित्र को उठाकर देख लीजिए, 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा, 12 संहिताओं में 12 खंडों में बैठी हुई ये शिव महापुराण की कथा, पूरी कथा में किसी भी देवी या किसी भी देवता की कहीं निंदा नहीं। पूरी शिव महापुराण की कथा में किसी देवी देवता की निंदा नहीं है। पूरी शिव महापुराण की कथा में एक बात जरूर लिखी है कि शंकर करुणा कैसे करते हैं, शिव कृपा कैसे करते हैं, शिव दया कैसे करते हैं। भगवान को प्रिय नहीं है निंदक, भगवान को प्रिय नहीं है नकली, भगवान को प्रिय नहीं है नास्तिक। शिव को प्रिय नहीं है, ये तीनों प्रिय नहीं है, ना निंदक प्रिय है, ना नकली प्रिय है, ना नास्तिक प्रिय है, शंकर की प्रियता ही नहीं। बाबा भोलेनाथ बैठे हुए थे, देवऋषि नारद का आगमन हुआ, प्रणाम किया, नारद जी आए, प्रणाम आए, आदर किया, सम्मान किया, सत्कार किया। नारद जी आइए, क्या बात है? देवऋषि नारद जी ने कहा कि भोले बाबा, हे शिव शंकर, जिस कामदेव पर आप विजय प्राप्त नहीं कर पाए, उस कामदेव को मैंने जीता है, मैंने स्वयं जीता। भगवान शंकर सिंहासन से उठे और भगवान शिव सिंहासन से उठकर अपने गले की रुद्राक्ष की माला मेरे देव अधिदेव महादेव ने निकाली और देवऋषि नारद के गले में डाल दी, देवऋषि नारद के गले में डाली। माला का मतलब जानते हो आप लोग? जम के बोलिए जरा। माला का मतलब जानते हो? कोई संत, कोई गुरु, कोई मंदिर, कोई देवालय, कोई शिवालय, कोई महात्मा, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, जब भगवान के गले की माला उतार कर तुम्हारे गले में डाल रहा है, कोई संत अपने गले की माला निकाल कर तुम्हारे गले में डाल रहा है, कोई तपस्वी अपने गले की माला निकाल कर तुम्हारे गले में डाल रहा है, कोई साधक, कोई उपासक अपने गले की माला निकाल कर अगर तुम्हारे गले में डाल रहा है, तो उसका मतलब क्या है? क्या मतलब है उसका? उसका मतलब यह नहीं है कि वो तुम्हारा सम्मान कर रहा है, उसका मतलब यह नहीं है कि तुम बहुत पैसे वाले हो, धनपति हो, करोड़पति हो, या तुमने कोई अच्छा कार्य किया है तो तुम्हें माला अपने गले की उतार कर डाल रहा है। ना ना ना, माला अगर भगवान के गले की माला तुम्हारे गले में आ रही है, उसका मतलब यह है कि मेरे परमात्मा के हृदय में जो चित्त वृत्ति में जो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम भरा हुआ है, जैसे ही तेरे गले में पहुंचे तो हृदय से वो तेरे भीतर प्रवेश कर जाए और तू भी उस राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम में डूब जाए।
किसी संत, किसी साधु, किसी तपस्वी, किसी साधक, किसी उपासक, किसी महात्मा के गले की माला तुम्हारे गले में अगर आती है तो वो माला डलते से ही तुम्हारे जब हृदय से आकर टच होती है तो जो संत के हृदय में जो राम, जो कृष्ण, जो शिव बैठा हुआ है, जो संत के हृदय में, जो महात्मा के हृदय में, जो उसने तप साधना करी है, राम की करी, दत्त की करी, शिव की करी, कृष्ण की करी, उसके हृदय में जितनी उसने माला जपी है, जो राम कृष्ण शिव उसके दिल में बैठा है, उस राम कृष्ण शिव का दर्शन जैसे ही तुम्हारे गले में माला पहुंचे तो तुम्हारे हृदय में वो राम कृष्ण शिव बैठे और तुम भी भगवान का दर्शन कर सको जैसे वो संत ने दर्शन किया। उसका साक्षीकरण कराने के लिए ये माला का दान प्रदान। ऋषि नारद के हृदय चित्त में भीतर अहंकार बहुत भर गया था। रुद्राक्ष का सबसे पहला काम है कि महाराज जी अपन आपके आशीर्वाद से परसों के दिन इंटरव्यू में पूछा गया था कि शंकर भगवान तो क्रोध के देवता है, भस्म कर देते हैं। शिवजी को तो क्रोध का देवता बताया गया है, वो तो भस्म कर देते हैं। इंटरव्यू लेने वाले वो भव्य जी ने पूछा कि शंकर जी तो क्रोध करते, क्रोध के देवता, आपका क्या कहना? हमने भव्य जी को एक बात माँ गंगा की गोद में बैठकर मणिकर्णिका की साक्षी में कही कि शंकर भगवान को लोग कहते हैं ये भस्म कर देते हैं, पर शंकर को समझो तो सरी, शिव अनायास कभी क्रोध नहीं करते, कभी क्रोध नहीं करते। अगर शंकर भगवान क्रोध के देवता होते तो उनका नाम आशुतोष नहीं होता, उनका नाम आशुतोष नहीं होता। शिव क्रोध के देवता नहीं है, शंकर भगवान भस्म करते हैं। किसको भस्म करते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर की शरण में जाता है उसका अहंकार शिव भस्म कर देते हैं। जो शंकर के पास जाते हैं उनके भीतर का काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, वासना, ये सब भगवान शंकर भस्म कर देते हैं। शंकर भगवान क्या भस्म करते हैं? तो जो शंकर के पास में आता है वो अपने अभिमान को नष्ट कर बैठता है, अभी अपने भीतर की अभिमत्ता समाप्त कर बैठता है। अग्नि के पास जाओगे तो हाथ में जो वस्तु है वो सबसे पहले जलेगी, तुम्हारे कपड़े सबसे पहले जलेंगे, अर्थात तुम्हारे भीतर जो अहंकार भरा हुआ है, तुम्हारे भीतर जो अभिमत्ता भरी हुई है, तुम्हारे भीतर जो अहम भरा हुआ है वो समाप्त होगा, वो समाप्त होगा, तुम्हारे भीतर जो भरा हुआ। तीन चीजें हैं। आज काशी की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हो, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो और जितने इस पवित्र प्रांगण में बैठकर लाखों की संख्या में बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। और निवेदन करूंगा, कल एक पत्र था कि गुरुजी आप केवल पंडाल वालों का बोल रहे हो, हम घाट के उस पार बैठकर कथा सुन रहे हैं, हमारा नहीं बोल रहे। तो जितने लोग घाट के उस पार मणिकर्णिका पर बैठकर या विश्वनाथ के पवित्र घाटों पर बैठकर उस पार गंगा के माइक से कथा को श्रवण कर रहे हैं वो भी ध्यान से सुनना। तीन चीजें मेरे शंकर भगवान के दरवाजे पर पहुँच कर देखिए। पहला, शंकर के मंदिर की चौखट जैसे ही पार करते हो, जैसे ही आपने शंकर के मंदिर की चौखट पार करिए, समझ लो मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश करा वैसे ही चौखट को पार करते ही तुम्हारे जीवन की खटपट समाप्त हो जाती है। मंदिर में, भगवान शंकर के देवालय में, शिवालय में जैसे ही प्रवेश करोगे चौखट के अंदर गए और खटपट समाप्त। दूसरा, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर जब शिखर का दर्शन करते हो, शिखर शिखर किसको कहते हैं? बोलिए, जम के बोलिए। जो बनता गया है पत्थर का, बनते 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 ऊपर तक गया वो शिखर है। ऊपर एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब होती है तो उस पे तांबे का, पीतल का, सोने का, चांदी का, हीरे का, जवाहरात का, जिसका भी एक कलश चढ़ता है। मंदिर की कीमत अगर
100 करोड़ रुपए है मंदिर की कीमत, अगर मंदिर की बनवाई, उस मंदिर की पूरे पत्थर की कारीगरी या मंदिर की बनवाई 100, 200, 500 करोड़ रुपए अगर लग गई है, पूरे मंदिर की कीमत आंक लीजिए, पूरे मंदिर में अगर 50 लाख रुपए लगे हैं, 25 लाख रुपए लगे हैं, 40 लाख रुपए लगे हैं, उसके ऊपर जो शिखर चढ़ता है तांबे का पीतल का, जो जो भी शिखर चढ़ाते हो, ईमानदारी से बोलना, वो 50 लाख का आता है क्या? जम के बोलो जरा, नहीं। वो 2 करोड़ का आता है क्या? नहीं। 10 करोड़ का आता है क्या? नहीं। मंदिर को बनाने में तुम्हारे 10 लाख लग गए, मंदिर को बनाने में तुम्हारे 50 लाख लग गए, मंदिर को बनाने में तुम्हारे 100 करोड़ लग गए, पर उसके ऊपर जो तांबे का पीतल का शिखर चढ़ रहा है उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 25, 50, 1 लाख रुपए होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। मंदिर की कीमत ज्यादा है पर शिखर की कीमत कम है, फिर भी मेरे भोले बाबा ने यह प्रेरणा दी है कि मंदिर भले 100 करोड़ का होगा पर शिखर अगर 10 का भी है तो कीमत उसकी प्रथम है, क्योंकि छोटे को लेकर ऊपर बढ़ना, छोटे को लेकर ऊपर बढ़ना। छोटे से छोटे व्यक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। तुम्हारे घर में शादी हुई है? किन किन के घर में शादियां हुई हैं बताओ, छोरा की, छोरी की, रिश्तेदार की, देवर की, देवरान, जो भी हो, नाना नादी, किसी की शादी तो हुई है। चलो ठीक है, शादी में बर्तन वर्तन आए हैं? दहेज में आए हैं ना? इतना बड़ा भगोना, इतनी बड़ी परात, इतने बड़े बड़े बर्तन, इतना बड़ा हंडा, इतनी बड़ी थाली, सब बड़े बड़े बर्तन है। और शादी में चम्मच भी आई, गिलास भी आई, छोटी थाली भी आई, प्लेट भी आई, कटोरी भी आई। बड़े बर्तन, आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में सारे जो दहेज में बड़े बर्तन आए थे वो सारे बर्तन आज भी तुम प्रयोग में कर ले रहे हो, रोज प्रयोग में ले रहे हो? रोज उपाय प्रयोग में लेते हो क्या? रोज उसमें खीर बनाते हो क्या? रोज उसमें सब्जी बनाते हो क्या? बड़े बर्तन में रोज सब्जी नहीं बनती, बड़े बर्तन में रोज आटा नहीं उसनता, बड़े बर्तन में रोज चाय नहीं बनती, बड़े बर्तन में रोज खीर नहीं बनती। बर्तन जो छोटे छोटे हैं ना वो तुमने निकाल लिए, रोज प्रयोग में आ रहे हैं, बड़े तो कभी कभी काम आते हैं। उसी तरह मेरे विश्वनाथ कहते हैं कि छोटों को साथ लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि ये छोटे हमेशा काम आएंगे, बड़े एक दिन छूट जाएंगे। मंदिर कितने का भी हो पर शिखर छोटा सा, भगवान भोलेनाथ कहते हैं शिखर की कीमत। किसी पुराण के अंदर ये नहीं लिखा कि शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, केवल शिव महापुराण की कथा कहती है शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शिखर का दर्शन अगर कर लिया और उस पुराण के शब्द, शिव महापुराण के शब्दों को दुनिया के लोगों ने पकड़ा कि मंदिर नहीं जा सकते तो शिखर का दर्शन कर लीजिए, मंदिर नहीं पहुंच सकते तो शिखर का दीदार कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए, शिखर का दर्शन हो गया तो तुम्हारे सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। अपने आप कितना अंतर है देखिए जरा। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि ताजमहल का दर्शन करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। और तुम में से किसी के मिटे हो तो हमें बता देना। कोई ने आज तक नहीं कहा कि ताजमहल का दर्शन करो तो पाप मिट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंतर है। दुनिया के लोग ताजमहल देखने जाते हैं, दर्शन के लिए नहीं। देखने और दर्शन में अंतर है। देखने के लिए लोग ताजमहल जाते हैं और दर्शन के लिए लोग विश्वनाथ आते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? ताजमहल देखने से काम जागता है। क्या काम जागता है? इतने में पत्नी बाजू में खड़ी थी, सुनो तो, ए जी
उन्होंने उसकी पत्नी के लिए ये बनवाया। तुम देखने से काम जागृत हो गया और विश्वनाथ की नगरी में आई है, यहां काम नहीं जागेगा। एक बार पत्नी का हाथ पकड़कर मणिकर्णिका के घाट पर ले जाके बिठा दो, दूसरी बार कहेगी सिर पे पल्लू लेके पति के चरण छूती हुई बोलेगी तुम ही मैं। दूसरी बार नहीं बोलेगी और तीन रात्रि तक तुम्हारे चरण छू कर कहेगी। पति पूछेगा हार चाहिए? नहीं, अच्छी वाली साड़ी, क्या करूंगी, फोर व्हीलर गाड़ी पे चमकदार कपड़ों में लपेट के राम नाम सत्य बोलते बोलते आ रहा है, साड़ी का क्या करूंगी, क्या करूंगी। देगी नहीं नहीं अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस देखने में, ताजमहल देखने में काम बढ़ रहा है, ताजमहल देखने में आसक्ति बढ़ रही है, ताजमहल देखने में वासना बढ़ रही है, पर विश्वनाथ की धरा पर शिखर का दर्शन कर मणिकर्णिका के घाट का दर्शन कर गंगा का स्नान कर यहाँ देखा नहीं है, यहाँ दर्शन करा। दर्शन करा तो आसक्ति भी चली गई, काम भी चले गया, वासना भी चली गई, तृष्णा भी चली गई, लोभ भी चले गए, सब कुछ समाप्त तो हो गया। फिर जब घर गए तो केवल एक आत्मा थी और शिव परमात्मा था, उसके सिवाय कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। केवल आत्मा और परमात्मा। देवऋषि नारद के गले में माला पहनाई भगवान शंकर ने, अपने रुद्राक्ष की माला, पर देवऋषि नारद के अंदर अहंकार इतना भरा हुआ था कि माला अच्छी नहीं लग रही थी। महाराज जी, सभी बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े जो महात्मा आदि कथाकार होते हैं, उनके यहाँ कोई मिलने जाता है तो वो इतना बड़ा बड़ा प्रशस्ति पत्र फोटो सब देते हैं। ये बैठे हुए हैं कथा में आने वाले और यहाँ पर भी कई लोग बैठे हैं। हमारे सीहोर में कोई भी मिलने आता है, चाहे बड़े से बड़ा संत साधु तपस्वी साधक उपासक या कोई राजनेता सत्ताधारी भी आए, हमारे यहाँ उसको प्रमाण पत्र या फोटो या कोई मोंटो नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ तो केवल एक रुद्राक्ष दिया जाता है जो मेरे शंकर भगवान ने देवऋषि नारद को दिया। ये मोंटो ये फोटो तुम ले जाकर टेबल पर रख दोगे, पर वो रुद्राक्ष सीहोर का, वो कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष, जब व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी भी तकलीफ आएगी, वो रुद्राक्ष तांबे के लोटे में पानी भरकर डाला, शंकर को चढ़ाया और पी लिया, तीन घंटे के अंदर खड़ा होकर मानेगा ये शिव तत्व है, ये वो घड़ी है। कोई एक लोटा जल तुम जहां रहते हो, तुम सीहोर आओ चाहे मत आओ, तुम कुबेरेश्वर धाम आओ चाहे मत आओ, तुम तो अपने नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, तुम्हारे करीब में जो शिवालय है, तुम वहां एक लोटा जल लेकर जाओ और शंकर जी को दिल से एक लोटा जल चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते, एक लोटा जल समर्पित करिए, दिल से समर्पित करिए। दिल से सारी समस्या का हल एक लोटा जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, स्मरण करते रहो, भजते रहो, एक न्यू मार्केट में भोपाल में एक बंगाली चाट वाला है महाराज जी, बंगाली चाट वाला न्यू मार्केट में आप जाएंगे तो बंगाली चाट वाला, उसका एक ठेला लगता है, सबके ठेले चलते हैं, उसका ठेला नहीं चलता। वो बाबा के धाम आया, कुबेरेश्वर धाम, बाबा से विनय करे क्या करूं, मुझे एक बार महाराज जी से मिलाओ मिलाओ मिलाओ, बड़ी मुश्किल से मिलना भी हुआ, हम आरती के लिए जा रहे थे, मिलना हो गया, मिलना हुआ तो कहे गुरु जी बहुत दुखी, हमने काहे को दुखी, बाबा को एक लोटा जल चढ़ा, भगवान का भजन कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल, बस बाबा सब कर देगा। हमने कहा
फिरोजाबाद की कथा में हमने कहा था कि अपने दरवाजों पर, अपनी गाड़ी पर, अपनी दुकान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दें, उसके भरोसे छोड़। क्या करूं, लिख दे ठेले के ऊपर, बंगाली चाट अपनी जगह होगी, तू तो ठेले पर लिख दे श्री शिवाय नमस्ते। वो लाया एक स्टिकर चिपका दिया। कल हम अपने मोबाइल से, जो आशीष जी का मोबाइल है, उससे हम आपको दर्शन कराएंगे उसके ठेले की भीड़ का और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखे का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में वो तत्व है जो स्वयं खींचता है। फिर निवेदन है, आप मोबाइल से फोटो खींचते हो, आप कैमरे से फोटो खींचते हो, मेरे शंकर की कथा और शंकर का नाम आपको खींच कर लाता है, उसी तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको ऊपर की ओर ले जाता है, उन्नति। देव ऋषि नारद के गले में रुद्राक्ष की माला दी, सुहाई नहीं? देव ऋषि नारद को अच्छी नहीं लगी रुद्राक्ष की माला? और शंकर भगवान ने कहा, सुनो देव ऋषि नारद, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जो तुमने मुझसे कहा कि मैं कामदेव को नहीं जीत पाया, ये बात तुम किसी को मत कहना। और सुनो सुनो नारद जी, जो मुझसे प्रेम करता है ना, उससे तो बिल्कुल मत कहना। जो मुझसे प्रेम करता है, राम जी शिव जी से प्रेम करते हैं, शिव जी जम के बोलो राम जी से प्रेम करते हैं, नारायण शंकर भगवान से प्रेम करते हैं, शंकर भगवान नारायण से प्रेम करते हैं, कृष्ण शिव से प्रेम करते हैं, शिव कृष्ण से प्रेम करते हैं। और हम और आप विवादों में घिरे हुए हैं, हम और आप विवादों में घिरे हुए हैं। हम कहते हैं, कोई कहता है शंकर के मंदिर मत जाना, कोई कहता है शंकर जी का जड़ा हुआ जल मत पीना, कोई कहता है शंकर जी को बेलपत्र मत चढ़ाना, कोई कहता है शंकर का प्रसाद मत खाना, कोई कहता है राम जी के मंदिर मत जाना, कोई कहता है कृष्ण के मंदिर मत जाना, कोई कहता है इसके मंदिर मत जाना, उसका प्रसाद मत खाना। हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं, वो कहता है कृष्ण वाला, वो कहता है शिव वाला, पर इनमें भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। भगवान के राम कृष्ण शंकर मेरे नारायण में कोई भेद नहीं। कितनी सुंदर बात भगवान शंकर करें, जो मुझे चाहे ना उससे जाकर ये मत कह देना, तू निंदा मत करना। भगवान शिव की कथा कहती है कि शंकर को निंदक प्रिय नहीं है, प्रिय नहीं है। निंदक नकली और नास्तिक शंकर को प्रिय नहीं है। कल कथा में क्या कहा था आपको, सबको याद है कथा की बात, जम के बोलो जरा। कल कथा में कहा था कि शंकर भगवान को एक बूंद दूध चढ़ाओ, एक चम्मच दूध चढ़ाओ, पर असली चढ़ाओ, देसी गाय का चढ़ाओ, नकली मत चढ़ाओ। सुना था कि नहीं सुना था, जम के बोलो जरा, सुना था ना? क्योंकि शिवजी को नकली प्रिय है ही नहीं। शिव की प्रियता नकलीपन में नहीं, शंकर को असली, असली। बहुत कठिन है असलता का जीवन जीना, बहुत कठिन है। नकली जीवन जीना तो सरल है, बहुत सरल। कर्जे में लदा लूं हो गए, पैसा नहीं है, और दुनिया के आगे विचार करो कि हम तो बस मुस्कुराते हुए दिखे, ऐसे दिखे वैसे दिखे, करोड़ों का धन है, ना ना, असलीता का जीवन जियो। हमारे पास नहीं है ना, नहीं है, फिर भी हम खुश हैं, ये मेरे बाबा की कृपा। नकलीता का जीवन नहीं जीना,
नकली तक का जीवन जीने से मालूम पड़े शादी होना है, बता दिया साहब हमारी लड़की सिलाई भी जानती है, बुनाई भी जानती है, कढ़ाई भी जानती है और भोजन बनाना भी जानती है, और साहब हमारा लड़का इतना बढ़िया लड़का वहाँ जॉब कर रहा है और वहाँ है ऐसा है वैसा है, जो सत्य है वो सत्य है। दिल से बाबा से कहना, दिल से सुनेगा, 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारी भी झोली भरेगा। वो देख व्यक्ति को परमात्मा से दूर करता है। जिस दिन हमने अहंकार का त्याग कर दिया, अभिमान का त्याग कर दिया, उस दिन ये समझ लेना कि परमात्मा हमारे करीब में आ गया। शिव के करीब में आने का सबसे सुंदर तरीका है अपनी अभिमत्ता का त्याग कर दो, अपने अहंकार का त्याग कर दो। शिव के मंदिर जाते हो रोज तो शंकर के मंदिर में रोज जाते हो तो रोज बाबा से प्रार्थना करना, बाबा इस शरीर के अंदर इस चित्त के अंदर कभी अहंकार मत आना, और आना भी नहीं चाहिए। इस शरीर में जो चीज अंदर जाता है उसको त्यागना ही पड़ता है, नहीं त्यागेंगे तो शरीर को रोगी बना देगी। भोजन करो, पेट भर कर करो, खूब पेट भर कर खा लो, खूब पेट भर करो, 5 दिन 2 दिन तुम पेट में ही रहने तो जाओ मत। नहीं मैं त्याग ही नहीं करूंगी, मैंने तो खाया, त्याग नहीं कर, जो खाया है उसका त्याग करना पड़ेगा। त्याग नहीं करोगे तो बीमार पड़ोगे, बोलो सही है कि गलत है। पानी पी लिया, दूध पी लिया, चाय पी ली, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कोई सामग्री तुमने दूध आदि पी लिया, जल पी लिया, पानी पी लिया, पानी तुम पेट भर कर पी लो और उसको अपने पेट में रख लो, बाद में तुम त्याग मत करो 1-2 दिन तक, बोलो बीमार पड़ोगे कि नहीं पड़ोगे, जम के बोलो जरा, पढ़ोगे ना। भोजन किया उसका त्याग करना पड़ेगा, जो भीतर गया है उसको त्यागना पड़ेगा, पानी पिया उसको भी त्यागना पड़ेगा। इस शरीर में रख नहीं सकते, जब भोजन अंदर गया है भोजन का त्याग किया है, पानी अंदर गया तो पानी का त्याग किया है, त्याग नहीं करोगे तो बीमारी हो जाएगी। उसी तरह अगर अभिमान अंदर गया है तो उसका भी त्याग करो, नहीं तो ये मन को बीमार कर देगा, ये मन को बीमार, अभिमान को बाहर निकालना पड़ेगा, अहंकार को बाहर करना पड़ेगा। देवऋषि नारद नहीं कर पाए, देवऋषि नारद के अंदर अभिमत्ता जागृत रही, देवऋषि नारद के अंदर अभिमत्ता थी, उन्होंने भगवान शंकर ने कहा कि तुम जो मुझे चाहते हैं तुम उनसे मत कह देना, इस निंदा को मत कर देना, तुम ये मत कह देना कि शंकर भगवान कामदेव को जीत नहीं पाए और मैंने जीता है, और भगवान ने मार्गदर्शन दे दिया था कि तुम कहना मत ही, क्योंकि भगवान जानते थे कि ये देवऋषि नारद भगवान नारायण के पास जाकर कहेगा और नारायण मुझे बहुत प्रेम करते हैं, उनसे ये निंदा सुनते नहीं बनेगी और वो रुष्ट हो सकता, ये निंदा उनसे सुनते नहीं बने। देवऋषि नारद बाहर निकले, रुद्राक्ष की गले से माला निकाली, गले में से रुद्राक्ष की माला निकाली और देवऋषि नारद ने उठाकर जमीन पर उस रुद्राक्ष की माला को पटक दिया, जमीन पर। अगर देवऋषि नारद को यह मालूम पड़ता कि ये माला कोई साधारण नहीं है, ये भगवान भोलेनाथ ने अपने गले से निकाल कर नारद तेरे गले में पहनाई है, ये कोई साधारण नहीं है, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन, कोई तपस्वी जन, कोई साधक, कोई उपासक अपने गले की माला अगर आपको दे रहा है तो ये माला साधारण नहीं है। उसने दिए, उसको हृदय से लगाओ, मस्तक से लगाओ, फिर विसर्जन करिए,
आप फेंकिए ना उसे, चित्त के हृदय जाओ, चीज में शंकर को पहचानने का प्रयास करें। देवऋषि नारद ने रुद्राक्ष की माला को उतार कर जमीन पर फेंक दिया, चल दिए। सामने से नंदी आ रहे थे, नंदी ने देखा कि बाबा के गले की रुद्राक्ष की माला जमीन पर पड़ी है, जमीन पर। एक निवेदन आप सबसे, विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए जाओ, सबकी डलिया में फूल बेलपत्री रहती है, बोलो रहती कि नहीं रहती है। कईयों की डलिया में से बेलपत्र जमीन पर गिर जाती है, पर एक निवेदन है करवद्ध, विश्वनाथ जी के मंदिर में अगर जमीन पर बेलपत्र पड़ी है ना, आपने उसको उठाकर झोली में रख लो, भले उसका कोई प्रयोग ना करो पर उसको ले जाकर बाद में विसर्जन कर दो, पर वो बेलपत्र किसी के पांव में मत आने दो, उतने में भी मेरा बाबा तुम पर कृपा कर देगा, उतने में भी मेरा बाबा तुम पर कृपा कर देगा। वो बेलपत्री जो पांव में आ रही है, जो बेलपत्री जमीन पर पड़ी हुई है, हिलने में, जाने में, धक्का में, मुक्की में, दौड़ने में, हो सकता है लाइन में लगने में, पॉलिथीन से, डलिया में से बेलपत्र जमीन पर गिर जाए, क्योंकि ये बेलपत्र साधारण नहीं होती, ये बेलपत्र मेरे शंकर का एक स्वरूप है, मेरी पार्वती का एक स्वरूप है, इस बेलपत्र को उठा लो, बाद में भले विसर्जन कर दो। शर्म मत करो कि लोग क्या कहेंगे, बेलपत्र उठा रहा है, लोग क्या कहेंगे, बेलपत्र उठा रहा है। अरे भैया, जब किसी का पड़ा हुआ मोबाइल 80,000 का मिल जाता है तो तुरंत उठा लेते हो, किसी की पड़ी हुई चेन मिल जाती है तुरंत उठा लेते हो, तो ये मोबाइल 80,000 का होगा, चेन 1,00,000 की होगी, पर जो बेलपत्र जमीन पर पड़ी है तुमने अगर उठाकर अपने पल्लू में रख ली है और बाद में उसका अगर विसर्जन कर दिया है तो तुम्हारी झोली करोड़ों में जरूर भराएगी, ये निश्चितता है। एक बेलपत्र जमीन पर ना गिरे, उसका स्मरण रहे, पड़ी है उठा लो, बाद में देखो, बाद में विसर्जन कर देंगे। थोड़ा अपने को सुधरना पड़ेगा, हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, गायत्री परिवार वाले बोलते हैं ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, कब बदलोगे, जम के बोलो, आज से। मंदिर जाओगे दर्शन करने के लिए, बेलपत्री जमीन पे पड़ी है, अपने पल्लू साथ में उसमें रखते जाओ, बाद में आओ विसर्जन कर दो, कोई बात नहीं। उसके मंदिर को स्वच्छ रखिए, स्वच्छ, उसके मंदिर को स्वच्छ रखो, वो तुम्हारी जिंदगी को स्वच्छ कर दे, तुम्हें कभी भटकने नहीं देगा, कभी नहीं, स्वच्छ रखिए। देवऋषि नारद ने रुद्राक्ष की माला को फेंक दिया, नंदी ने उठा ली, नंदी लेकर भगवान शंकर जी के पास पहुंच गए, हर हर महादेव। जैसे ही नंदी पहुंचे, भगवान शिव जी ने पूछा, नंदी बड़े क्रोध में आए हो, बड़े गुस्से में आए हो, बड़े क्रोध, बहुत गुस्सा है नंदी तुम, इतना क्रोध, इतना क्रोध, ये ठीक, क्यों इतना क्रोध कर रहे हो, इतना गुस्सा किस लिए? अच्छा, क्रोध जो होता है ना, सबसे ज्यादा अकल किस में होती है, बोलो जल्दी बोलो, उत्तर दो, सबसे ज्यादा अकल किस में होती है, सबसे ज्यादा अकल क्रोध में होती है, किस में होती है, क्रोध में। क्यों? क्रोध हमेशा कमजोर व्यक्ति पर आता है, कभी बोल्ड पर नहीं आता,
किसी दमदार व्यक्ति पर कभी क्रोध नहीं आएगा, क्रोध हमेशा कमजोर पर आएगा जो तुम्हारी सुन लेगा। इसलिए क्रोध में अकल बहुत होती है, वो भिड़ता ही नहीं कभी बलवान से। तुम खुद देख लो, तुम्हारे घर में तुम देखो, पति को अगर क्रोध आता है, बहुत तेज क्रोध आ गया, तो वो बच्चों को कूड़ देता है, सबको अपशब्द कह देता है, मम्मी पर भी चिल्ला चोट कर देता है, पापा पर भी चिल्ला चोट कर देता है, पर चंद्र घंटा पे मान लो वो खड़ी है ना, वो बाजू में तुम्हारी पत्नी, और तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम बोल के बता, तुम एक सुनाओगे वो चार, वो तुरंत उसको रोज आदत में, रोज जगदीश भगवान की आरती करती है, तेरा तुझको, उसको आदत में कि तुमने मुझे कहा और मैंने तुम्हें सुनाई, तुम दो वो चार, वो बोले ही नहीं उससे, सबको कूड़ दे, मार दे, चिल्ला चोट कर दे, सब कुछ कर दे, पर वो उस पर ना क्रोध, क्रोध में कर दे। नंदी, ए नंदी, तो इतना क्रोध में क्यों है? नंदी कहता है, मुझे क्रोध इसलिए आ रहा है क्योंकि देवऋषि नारद ने आपके गले के रुद्राक्ष की माला को जमीन पर पटक दिया। रुद्राक्ष की माला? हाँ, कोई बात नहीं। अब जरा ध्यान देना, बहुत सावधानी से सुनना। प्रश्न करने वाले प्रश्न करते हैं कि शंकर जी को भस्म कर देते हैं, क्रोध कर देते हैं। शिव पुराण कहती है, जिसके गले की माला देवऋषि नारद ने जमीन पर पटक दी हो, वो शंकर कह रहे हैं, नंदी गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, अब जो हो गया वो हो जान दो, माला मुझे दे दो, मैं वापिस पहन लूंगा, माला मुझे दो, मैं वापिस पहन लूंगा, वापिस। हाँ प्रभु, शंकर भगवान नंदी कर रहे हैं, आप देवऋषि नारद के गले की चढ़ी हुई माला वापिस पहन लोगे? शंकर भगवान कहते हैं, सुनो नारद, बेलपत्र और रुद्राक्ष, तुलसी का दल, ये तीन ऐसे हैं जो कभी अशुद्ध नहीं होते, ये शुद्ध की शुद्ध है। बेलपत्र, रुद्राक्ष और तुलसी का दल या तुलसी की माला, ये कभी अशुद्ध नहीं होती, ये शुद्ध की शुद्ध है, इसमें अशुद्धता नहीं है, ये शुद्ध है। अब कई माताएं बड़े बहुत सारे प्रश्न करते हैं, कई लोग प्रश्न करते हैं, अरे गुरुजी तुमने तो सबको गले में रुद्राक्ष पहना दिया, अरे गुरुजी तुमने सबके गले में रुद्राक्ष पहना दिया, कोई यहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, कोई ये कर रहा, कोई वो कर रहा, कोई गुटखा खा रहा, कोई पान खा रहा, कोई ये कर रहा, कोई वो कर रहा, और तुमने सबको कह दिया कि रुद्राक्ष पहनो, रुद्राक्ष पहनो, उसका दोष नहीं लगेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे गले में रुद्राक्ष है, तुम हॉस्पिटल में जा रहे हो, चाहे दुनिया में कहीं पर भी जा रहे हो, रुद्राक्ष शुद्ध का शुद्ध रहता है, रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता, रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता, उसकी शुद्धता बरकरार रहती है। बेलपत्री जमीन पर गिर गई है, उठा ली, धोली, चढ़ा दी, शिव स्वीकार करेंगे। तुलसी का दल गिर गया है, उठाया, धोया, चढ़ाया, भगवान स्वीकार करेंगे, इसमें शुद्धता का भाव नहीं। कई लोग कहते हैं, गिरा हुआ क्या भगवान को चढ़ा सकते हो? अरे महाराज जी कहां कहां की बात सुनाते हो, गिरा हुआ क्या भगवान को चढ़ा सकते हो? शिव महापुराण की कथा कहती है, जो गिरा वो तो ठीक है, इंसान भी तो कभी कभी ऐसा कर्म कर जाता है कि गिर जाता है तो भी तो भगवान स्वीकार करता है, हम जैसे हैं शिव वैसा हमें स्वीकार करता है, होता है, सबको स्वीकार करिए। 5 किलो हरी मिर्ची लेकर आते हो
उसमें से 4, 5, 10 हरी मिर्ची बेकार निकलती है कि नहीं निकलती? बोलो जम के बोलो जरा, निकल। 25 किलो आलू लेकर आए, उसमें 2-5 आलू बेकार निकलते हैं कि नहीं निकलते? बोलो बोलो जम के बोलो जरा, निकल। ठीक है, बैंक से नोट की गड्डी लेकर आए, उसमें 1-2 नोट बेकार फटेले निकलते हैं कि नहीं निकलते? नोट की गड्डी में 2 नोट फटे निकल जाते हैं, आलू 25 किलो में 5-4 आलू बेकार निकल जाते हैं, सड़े निकल जाते हैं, 10 किलो मिर्ची में 2-5 मिर्ची सड़ी निकल जाती है, 2-4 किलो टमाटर में 1-2 टमाटर सड़े निकल जाते हैं, तो ईमानदारी से बोलो तुम वो स्वीकार करते हो कि नहीं करते? कि हम आ गए, ठीक है, गड्डी आ गई, ठीक है, अब आ गए ना, स्वीकार करा ना तुमने? उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, 25 किलो आलू में से 5 आलू सड़े निकल गए, उसको तुमने स्वीकार करा, 10 किलो टमाटर में से 2 टमाटर बेकार निकल गए, तुमने उसको स्वीकार करा, 10 किलो मिर्ची में से 4-5 मिर्ची बेकार निकल गई, तुमने उसको स्वीकार करा, नोट की गड्डी में फटे नोट आ गए, तुमने उसको स्वीकार करा, तो हमारे घर में भी 2-4 लोग ऐसे रहेंगे जो भगवान को नहीं मानेंगे, भजन नहीं करेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, तुम उनको भी स्वीकार करो। यीशु पुराण का यीशु महापुराण की कथा कहती है, हमें उसमें दोष नहीं देखना। कई माताएं कहती है, मेरी जेठानी तो मंदिर ही नहीं जाती, मेरी देवरानी तो मंदिर में नहीं जाती, वो तो जल ही नहीं चढ़ाती। हमें दोष नहीं, उनको स्वीकार करो, ठीक है ना। हमारी जेठानी हमको गाली देती है, कहां जा रही हो? काशी कथा सुनने के लिए। क्यों? वो सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ी हो, क्यों कथा में जा रही हो? आप शब्द कहते हैं, स्वीकार करो, कोई बात नहीं। समझ लो, 10 किलो टमाटर में 2 टमाटर गड़बड़ है, स्वीकार करो। समझ लो, 25 किलो आलू में हमारे घर में 25 लोग हैं, हमारे 25 किलो, तुम्हारे घर में कितने किलो हैं? सबको गिन लो, पति पत्नी 2 बेटे, सास ससुर 6 और ननन नंदोई, ऐसे मिला के तुम सबको गिनो, गिनोगे तो अंदाजा लग जाएगा कि 15 किलो हो कि 20 किलो हो। अब 15 किलो 20 किलो में 1-2 टमाटर गड़बड़ निकल जाए तो क्या टेंशन ले, ठीक है, चलने दो चलने दो, जो होगा देखा जाएगा। पर हमारी आदत क्या हो जाती है कि हम सोचते हैं नहीं 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 ये तो बेकार हो गया, अब टेंशन लेके बैठ गए, मेरे 2 टमाटर गड़बड़ हो गए, 10 किलो लेके आई थी 2 टमाटर बेकार निकल गए, 20 किलो लेकर आई थी 2 आलू बेकार निकल गए, नहीं सोच। अगर सब्जी अच्छी बनाना है, परिवार को अच्छा बनाना है, तो 1-2 टमाटर या 1-2 हरी मिर्ची या 1-2 आलू को मत देखो। घर को अच्छा बनाना है तो इनको मत देखो जो दिन रात निंदा में लगे हैं, उनको किनारे में पटक दो, जो अच्छे अच्छे हैं वो अच्छे से बगारो, खाओ, आनंद में रहो, अपनी जिंदगी मस्त जियो। कई लोग ऐसे होते हैं, अभी कथा हो रही है काशी में, 2-4 टमाटर यहां भी गड़बड़ हो सकते हैं, ऐसा नहीं, 1-2 आलू यहां पर भी गड़बड़ निकल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी, टमाटर है आलू है ढेरों के भेड़ में थोड़ा बहुत कमजोर निकल सकता है, हो जाता। और निवेदन है, 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक जो सिरपुर जिला धूलिया महाराष्ट्र की पवित्र कथा जो होने वाली है, उनसे भी निवेदन मिलेंगे बहुत सारे जीवन में, पर ध्यान रखना कि अपन को जोड़कर चलना है, सबको जोड़कर चलो, सबको। देव ऋषि नारद, तुम जाकर भगवान नारायण से कुछ मत कहना, पर नारद तो नारद थे, सीधे पहुंच गए भगवान विष्णु के पास, भगवान नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु के नेत्र खुले, नारायण ने पूछा, देव ऋषि नारद आए, प्रणाम नारद जी, आइए। शंकर भगवान ने देव ऋषि नारद को बैठने के लिए स्थान दिया था, शंकर भगवान ने देव ऋषि नारद के गले में माला भी पहनाई थी, पर भगवान विष्णु ने देव ऋषि नारद को बैठने के लिए स्थान नहीं दिया, नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण जानते थे कि मेरे स्वामी, मेरे देव अधिदेव महादेव ने स्थान दिया, वहां नहीं बैठा,
तुम्हें क्या स्थान है? क्यों नहीं दिया? देवऋषि नारद को भगवान नारायण ने गले में माला नहीं पहनाई। देवऋषि नारद ने आते से ही कहा, सुनो भोले बाबा नारायण, भगवान विष्णु से कहा, प्रभु जिस कामदेव को भगवान शंकर नहीं जीत पाए, उस कामदेव को नारद ने जीता है। जैसे ही सुना, भगवान नारायण की आंख से आंसू बहने लगा। मेरे नारायण रोने लगे। क्यों? क्योंकि नारद, शास्त्र कहता है कि निंदा करने वाला भी पापी होता है और निंदा सुनने वाला भी। जम के बोलो जरा। ना 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 ना, गलत बात बोल रहे हो तुम लोग। निंदा करने वाला पापी होता है और निंदा सुनने वाला महापापी होता है। अब बजाओ ताली जोरदार वाराणसी वालों के लिए। इसको कहते हैं, जोरदार बात कही। आज मेरी जीजियां कद्दू की सब्जी खाए बैठी है। बहुत प्रबल ज्ञान, बहुत जोरदार, अच्छी। पापी तो केवल निंदा करने वाला होता है। निंदा करने वाले का काम क्या है? केवल पापी निंदा करेगा, निंदा करेगा। शिव पुराण की निंदा, शिव वक्ता की निंदा, शिव भजन की निंदा, भगवान की कथा की निंदा, भगवान की निंदा, मंदिर की निंदा, देवालय की निंदा, शिवालय की निंदा। निंदा करने वाला केवल निंदा करेगा। वो केवल पापी है, पर सुनने वाला महापापी। अयोध्या में राम जी बैठे थे, तुमको खुशी हुई कि नहीं हुई? अरे जम के तो बोलो जरा। हुई थी? ठीक है। सारे महात्माओं ने, सारे देश ने अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में, अपने अपने मोहल्ले में खूब सजाया, दिया लगाया, खूब बाबा का प्रवेश कराया। राम जी अवध में बैठे। ध्यान देना जरा, किस चीज की खुशी? अवध में राम बैठे, अयोध्या में राम बैठे, पर मेरे भारत की भूमि का गौरव यह था कि जिस समय राम जी अवध में आए थे, उस समय केवल राम अवध में ही उत्सव मना था, पर अभी जब मेरे राम अवध में आए तो पूरा भारत और विदेश में भी उत्सव मन रहा था। मतलब दिल में राम बैठ गया। दिल के अंदर राम बैठ गए थे, हृदय चित्त में राम बैठ गए थे, इसलिए तो हम दिए जला रहे थे। हमारे भीतर राम उतर गए थे, इसलिए हम आतिशबाजी छोड़ रहे थे। हमारे भीतर राम उतर गए थे, इसलिए हमने द्वार सजाए थे। हमारे भीतर राम उतर गए थे, इसलिए हमने रंगोली बनाई थी। हमारे भीतर राम उतर गए थे, इसलिए हमने पकवान बनाए थे, मिठाइयां बनाई, खूब लड्डू बढ़वाए, क्योंकि हमारे भीतर राम उतर गए थे। तो राम केवल अवध में नहीं, राम तुम्हारे दिल रूपी अवध में भी बैठ चुका है। राम तुम्हारे हृदय चित्त में बैठ चुके। नारायण, भगवान नारायण को लगा यहां नारद जी ने निंदा कर दी और मैंने सुन ली। भगवान विष्णु के आंखों से आंसू बहने लगा। अरे नारद, तूने मुझे निंदा कर दी, मुझे। कानों को मेरे नारायण ने बंद कर लिया। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु तुम रो क्यों रहे हो? नारद जी ने ऐसा क्या कह दिया जो तुम रो पड़े? भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी बोल रहे हैं पार्वती लक्ष्मी कि कामदेव को शंकर नहीं जीत पाए, मैंने जीत लिया। शंकर की निंदा मैंने सुन ली लक्ष्मी, मैंने सुन ली। तो लक्ष्मी कहती है, इससे होगा क्या? भगवान नारायण कहते हैं, सुन लक्ष्मी, नारद ने शंकर जी की निंदा करी, इसलिए इसका बंदर का मुंह लगेगा, और मैंने शंकर की निंदा सुनी, इसलिए मुझे घोड़े का मुंह लगेगा, मेरा हयग्रीव अवतार होगा। निंदा सुनी है मैंने, मैंने भगवान शंकर की निंदा सुनी, इसलिए मेरा सिर कट जाएगा और घोड़े का मुंह लगेगा, क्योंकि मैंने निंदा सुनी है। और इस देवऋषि नारद ने निंदा करी, इसलिए इसको बंदर का मुख लगेगा। रामचरितमानस में आता है, नारद जी
स्वयंवर में पहुंचते हैं और वहां बंदर का मुख लगे हुए बैठ जाते हैं। क्यों बंदर का मुख लगा? लोग कहते हैं नारद जी का विवाह नहीं होने देना था, ऐसा होना था। नहीं नहीं, नारद जी ने शंकर की निंदा कर दी थी इसलिए बंदर का मुख लगना था। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव की निंदा करने वाला, शिव की निंदा सुनने वाला एक बार नहीं कई बार पशुओं का जन्म लेता है और आखिरी में जन्म ले लेकर थक जाता है। तब किसी शिवालय में, किसी देवालय में वहां के स्वान बनकर जन्म लेकर वहां का चढ़ा हुआ जल और दूध चाट लेता है, तब उस स्वान की योनि से छूटकर फिर परमात्मा की शरणागति में कोई अच्छा जीव बनकर आता है। निंदा शंकर को प्रिय नहीं है। शिव निंदा से परे, निंदा से दूर। अगर तुम्हारे पास कोई आए शिव महापुराण की निंदा करे, शंकर की निंदा करे, शिव भक्त की निंदा करे, शिव वक्ता की निंदा करे, शिव की उपासना की निंदा करे, उसी समय वहां से उठकर चल दो। अरे भैया चुप बैठ, मैं नहीं सुनूंगी, तेरे मुंह से एक आवाज मत निकालना, हर हर महादेव, वहां से चल दो। कोई निंदा करे भगवान की, वहां से चल दो। शंकर की कोई निंदा करे, राम की कोई निंदा करे, कृष्ण की कोई निंदा करे, वहां से चल दो। निंदा नहीं सुनना, निंदा। इतना अच्छा मनुष्य का देह मिला है, परमात्मा का भजन करो। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव को निंदा, शंकर को नकली और नास्तिक, प्रिय नहीं। देवऋषि नारद ने निंदा करी, उसका कर्म भोग नारद जी को भोगना पड़ा। ना निंदा करें ना निंदा सुने। फिर आई बारी नकली। कलकत्ता में कहा था नकली दूध भगवान को ना चढ़ा। आधी चम्मच, एक बूंद, दो बूंद चढ़ा दें, ठीक है। गौ माता का चढ़ाइए, गौ माता का दूध मिल जाए, ठीक। ना मिले तो सारी समस्या का हल, ना मिले तो एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करो। शिव कभी आकर नहीं कहेंगे कि तूने मुझे जल नहीं चढ़ाया। शंकर कभी आकर नहीं कहेंगे कि तूने मुझे दूध नहीं चढ़ाया। शंकर कभी आकर नहीं कहेंगे कि तूने मुझे दही नहीं चढ़ाया। शंकर भगवान तो कहते हैं जो तेरे पास है दिल से मुझे समर्पित कर, जो तेरे पास। निर्मल मन सो मोही, भगवान शंकर कहते हैं मुझे तेरा हृदय दे दे, दिल दे दे, मन चित्त वृत्ति। ये दिल तो दे, मन तो दे तू। दक्ष प्रजापति जी के यहां कई कन्याओं का जन्म हुआ और आखिरी में दक्ष प्रजापति माँ जगत जननी से कहकर मांगते हैं कि मेरे घर में एक बेटी और हो जाए, और हो गई। एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम सती, प्रसूति के गर्भ से जन्मी है सती। आज भी किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उस हॉस्पिटल में जहां माँ अपने बच्चे को जन्म देती है उस कक्ष का नाम लिखा होता है प्रसूति कक्ष। दक्ष प्रजापति जी ने किसी को डोनेशन देकर नाम नहीं लिखाया। दक्ष प्रजापति जी की पत्नी माता प्रसूति ने अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को इतना संस्कार दिया था, इतना ज्ञान दिया था कि आज भी उस कक्ष का नाम रहता है प्रसूति कक्ष, कि इसमें जो मां अपने बच्चे को जन्म दे वो संस्कारित पैदा हो, इसलिए उसका नाम प्रसूति कक्ष है। भारत
भारतीय संस्कृति की, भारत की भूमि के संस्कारों की, सनातन धर्म की मजबूती कितनी है जरा देखिएगा कि हॉस्पिटल में भी बच्चा जो जन्म लेता है उस कक्ष का नाम प्रसूति कक्ष होता है। प्रसूति कक्ष, दूसरे धर्म के व्यक्ति कह दें भला कि हमारी हमारी पत्नी का बच्चा होने वाला है, हम इस कक्ष में नहीं कराएंगे क्योंकि इसका नाम प्रसूति कक्ष है। इस लोग कहते ना ये दूसरे धर्म का नाम है, हम ये नाम नहीं रखेंगे, ये दूसरे धर्म का ना। जिस हॉस्पिटल के जिस कमरे में जिस कक्ष में बच्चा जन्म लेता है उसका नाम प्रसूति कक्ष होता है, दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी के नाम से। यही तो भारत की मिसाल है, यही हमारी सनातन सभ्यता और संस्कृति है कि यहाँ की भारत की भूमि की एक एक नदियों का नाम, एक एक पर्वत का नाम सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, किसी दूसरे धर्म से नहीं। किसी दूसरे धर्म से जुड़ा हुआ पर्वत का नाम नहीं, पहाड़ों का नाम नहीं, नदियों का नाम नहीं, तालाबों का नाम नहीं, सरोवर का नाम नहीं, कुंड का नाम नहीं, सब सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। दक्ष प्रजापति के घर में बेटी ने जन्म लिया, प्रसूति के गर्भ से सती का जन्म। कितना प्रेम था, कितना प्रेम माता सती का शिव के प्रति। कभी नहीं मिली थी माता सती शंकर से, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी माता सती ने शंकर को देखा भी नहीं था, कन्या ने शंकर भगवान को कभी देखा नहीं था, सती माता ने कभी शंकर भगवान को मिली नहीं थी, कभी जाना नहीं था। केवल सती माता एक बार बाल्यावस्था में बैठी हुई थी, तभी उसी समय पर देवर्षि नारद निकल कर जा रहे थे, अपने मित्र तुमरुका जी के साथ निकल कर जा रहे थे। तुमरुका जी उस स्थान पर ठहर गए। ठहर कर नारद जी ने तुमरुका जी से कहा, तुम कहां से आ रहे हो? देवर्षि नारद ने पूछा तुमरुका जी से, तुम कहां से आ रहे हो? तुमरुका जी ने नारद जी के मुख पर कहा, अभी मैं देवाधिदेव महादेव की आराधना कर आ रहा हूं। नारद जी पूछे, देवाधिदेव महादेव, वो शंकर जो ओघड़ी है, वो शंकर जो भस्मी लपेटने वाले हैं? तुमरुका जी ने कहा, वो भस्मी लपेटता ही इसलिए है कि अगर उसकी शरण में कोई आ जाए ना, जैसे राख को अपने तन से लगा लेता है, जिस राख की कोई कीमत नहीं, तो तुमरुका जी कहते हैं मेरे भोले बाबा ऐसे हैं, अगर कोई एक बार उसकी शरण में आ जाए तो जैसे राख लपेटता है मेरा बाबा, उसको भी अपने दिल से लपेट लेता है। इतना सा शब्द माता सती ने सुन लिया, इतना सा शब्द सुना कि भोले बाबा जैसे राख लपेटते हैं ऐसे ही अगर कोई उनकी शरण में जाए तो उनको दिल से लपेट लेते हैं। सती माता ने सोच लिया, अब तो शादी करूंगी तो शिव से। दक्ष प्रजापति के पास सूचना पहुंच गई, दक्ष प्रजापति से जाकर कहा, सती का विवाह होना है। सती मैया ने निवेदन कर दिया, मेरा विवाह अगर करना तो भोले बाबा से कर देना, शिव जी से कर देना। दक्ष प्रजापति ने पूछा, तुमने शंकर को देखा है? नहीं। शिव को पहचानती हो? नहीं। तो दक्ष प्रजापति ने नगर में सूचना कर दी, स्वयंवर है मेरी बेटी सती का। सूचना मिल गई, शंकर जी के पास भी सूचना गई, पर जैसे ही शंकर जी आए, सती तो जानती नहीं थी, दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को दरवाजे का द्वारपाल बना दिया। दक्ष प्रजापति ने कहा, भोलेनाथ सभा के अंदर नहीं, दरवाजे के बाहर द्वारपाल बन के खड़े रहिए। शंकर भगवान दरवाजे के बाहर द्वारपाल बनकर खड़े थे, सारे देवता अंदर बैठे थे। सती मैया माला लेकर आई, सती मैया जब माला लेकर आई, चारों तरफ माता सती देख रही थी। देखती देखती सती ने देखा
मैंने सुना था शंकर की जटा है, मैंने सुना था शिव के गले में सर्प है, मैंने सुना था कानों में बिच्छू पहनता है, मैंने सुना था त्रिपुंड धारण करता है, मैंने सुना था गले में रुद्राक्ष है, पर इस सभा में वो दिख नहीं रहा। सती माँ माला लेकर बाहर पहुंच गई, बाहर जाकर ढूंढने लगी, मेरे शंकर, मेरे शंकर, मेरे शंकर, ढूंढते ढूंढते रोती बिलखती वापिस आने लगी, तो दरवाजे पर शिव को देखा, तुरंत माला शंकर के गले में पहना। शिव सभा में नहीं मिलते, शंकर सभा में नहीं मिलते, शंकर तो दिल की आभा में मिलते हैं। सभा में शिव नहीं मिलते, शिव दिल की आभा में मिलते हैं, जो दिल से पुकार लेता है। सती को शंकर ने स्वीकार कर लिया। दक्ष प्रजापति ने विचार करा, मेरी बेटी ने स्वयंवर में द्वारपाल पर दरवाजे पर खड़े हुए शिव के गले में माला पहना दी, अब तो विवाह करना ही पड़ेगा, क्योंकि रीत थी। विवाह की तैयारी हो गई, शिव और सती का मंगल विवाह हो रहा।